ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी, मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 की, ठीक है। क्लास नाइन्थ की बात कर रहे हैं, आपको पता है 4.1 की बात करेंगे मेरे भैया, ठीक है सर। 4.1 क्या बोल रहा है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर ये वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं मेरे भाई, जिसमें अल्फाबेट की जो अल्फाबेट आपको पता है ना, जैसे ए बी है ना, एक्स वाई जेड, ये जो मेरे भाई हैं ये सब वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं मेरे भाई, क्या है जो जो अल्फाबेट्स होते हैं सर, ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं सर। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब ये होता है कि जिसकी डिग्री मेरे भैया, जिसकी डिग्री मेरे भैया एक हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन मैं कर दूं, ठीक है। यहां पे x की डिग्री एक है, y की डिग्री एक है, यहां पे ये डिग्री वन है। दैट मीन्स लीनियर का मतलब सर ये होता है कि जिसकी डिग्री भैया एक होती है, ठीक है। जिसकी डिग्री एक होगी मेरे भाई वो लीनियर हो गया सर, ठीक है। ये जो x है, ये y है मेरे भैया, ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये क्या है, वेरिएबल है सर। और ये भी वेरिएबल, एक x अलग है, एक y अलग है, दैट मीन्स ये टू वेरिएबल्स हैं। That means मेरे भाई ये two variables हैं, ठीक है। तो एक बात समझ में आया, equation का मतलब ये होता है सर, equation का मतलब ये होता है सर कि यहाँ पे एक equal to आ रहा है, यहाँ पे किसी के बीच में मेरे भैया equal to आ रहा है। For example अगर मैं लिख दूँ 2y plus 3x is equal to 7, ठीक है सर। ये जो एक टर्म ये है, इधर भी एक है, बीच में equal to आ रहा है कि नहीं आ रहा। That means कहीं ना कहीं equal to आना चाहिए, इक्वेशन लिखा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसमें इक्वल टू आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, यानी कि चैप्टर का नाम था सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने देखा आपके स्क्रीन पे लगा, मैं देख लेता हूं एक बार, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखा है, आपके भी स्क्रीन पे पड़ा होगा। अगर स्क्रीन पे भी मैंने नहीं लगाया तो बेचैन हो, आपको चैप्टर का नाम तो पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब सर आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अगर है That is equal to zero मान लेता हूं, यहां पे एक इसकी डिग्री होनी चाहिए मेरे भाई। अगर डिग्री दो हो गई तो वो चीज यहां नहीं पढ़नी अपन को, अपन को क्वाड्रेटिक क्यूबिक के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अपन को क्या पढ़ना है कि जिसकी डिग्री एक होगी, ठीक है, एक डिग्री है सर यहां पे, एक एक डिग्री। दैट मीन्स लीनियर का मतलब हो गया डिग्री, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हो गया सर, इक्वेशन का मतलब हो गया इक्वल्स टू, इक्वल्स टू मैंने कहीं लिखा कि नहीं लिखा, लिख देता हूं, ठीक है। इक्वेशन दैट मीन्स या तो कहीं ना कहीं पे मेरे भैया इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है सर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब देखो, दो वेरिएबल, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, और वेरिएबल्स का मतलब होता है सर अल्फाबेट्स होंगे, अल्फाबेट्स होंगे। अब इतनी जानकारी मिल गई ना, अब अपन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर वन की शुरुआत करते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन मेरे भैया पढ़ा है, ठीक है, आराम से रीड करो, बेचैन मत होना, घबराना मत, एकदम ध्यान से देखो। मैं सॉल्व करने की पूरी आपको ट्रिक बताता हूं, सिस्टम बताता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे मैं रीड कर रहा हूं, आप भी रीड करना। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, ध्यान से देखो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पहली बात ये बोल दिया, ठीक है। अभी आगे क्या बोल रहा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन, राइट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स, जो बोला लिख लेते हैं, let the cost of notebook is equal to x, ठीक है सर। अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि and the pen of y, let the cost of pen is equal to y। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन वाला बोल रहा है सर, ये आपको खुद बोल रहा है कि मान लो कि जो नोटबुक का कॉस्ट है बेटा उसको तू एक्स मान ले, जो पेन का कॉस्ट है भैया तू उसको वाई मान ले। ये खुद क्वेश्चन वाला बोल रहा है, अपन को कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में खुद लिखा साफ साफ। अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, या बेटे या, यानी कि सर ये बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज
ट्वाइस द पेन, यानी कि जो पेन है सर, जो पेन है उसका ट्वाइस जो है, यहां पे ट्वाइस का मतलब समझ में आ रहा है, टू से मल्टीप्लाई करना यार, दो गुने की बात हो रही है। थ्राइस बोलता तो मैं यहां पे तीन लिखता, तीन थ्री लिखता, समझ में आया। ये ट्वाइस बोला था यानी कि उसको स्टेटमेंट को पढ़ के ये लगा कि नहीं लगा, ये लगा कि नहीं लगा। अब मैं क्या करता हूं, 2y को इधर लेके आ जाता हूं, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो हो गया, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यानी कि ये इक्वल टू के इधर था, इक्वल टू के जब आप ट्रांसफर करेंगे इधर तो सिंबल चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, अगर यहां पे माइनस रहता मेरे भैया तो प्लस हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, सिंबल्स मेरे भाई चेंज हो जाते हैं, सिंबल्स मेरे भाई चेंज हो जाते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। नोट करिए और आप प्ले लिस्ट में जाके क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, समझ में आया। ओके।